हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस देश की वायुसेना ने X-37B नामक एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने, USA ने जो है इसको प्रक्षेपित किया था, जिसका नाम क्या है, X-37B। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 तक के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश कौन से बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहां पर मालदीव और श्रीलंका। देखिए, यहां पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने जो निर्धारित लक्ष्य था इनका 2023, उससे पहले ही खसरा और रूबेला से समाप्त करने का जो टारगेट पूरा किया है वो मालदीव और श्रीलंका ने कराया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, उसके अनुसार अगर किसी देश में, किसी भी देश में अगर कम से कम 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक खसरा और रूबेला कोई वायरस नहीं होता है, तभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो उसको इस रोग से मतलब कि मुक्त घोषित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत के संदर्भ में अगर मैं खसरा और रूबेला की बात करता हूँ, तो भारत जो है वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से मई से अप्रैल के मध्य जो है भारत के अंदर कुल 47,056 जो खसरा है इसके मामले सामने आए थे खसरा के, और उसके अलावा इसी दौरान रूबेला के कुल 1,263 मामले सामने आए थे। तो इस दौरान यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, भारत अभी खसरा मुक्त और रूबेला मुक्त घोषित नहीं किया गया है और ना ही हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पर दोनों रोग के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करेंगे, खसरा और रूबेला के बारे में। ठीक है, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं खसरा की बात करता हूँ, तो ये एक जो है संक्रामक वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है जो कि मेनली बच्चों के अंदर होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं कम एज के उनके अंदर ये मुख्यतः होता है। और इसके लक्षण देखिए, खांसी, बुखार, आंख लाल होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। ये तो हो गया हमारा खसरा। दूसरा रोग है अपना रूबेला। रूबेला को जर्मन खसरे के नाम से भी जाना जाता है और यह भी एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, इसके लक्षण काफ़ी नॉर्मल होते हैं वैसे, लेकिन जो जिसके लक्षण है वो हमारे मतलब कि लगभग 2 से 3 सप्ताह के बाद में दिखाई देते हैं। जैसे COVID-19 के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, 10-15 दिन बाद, वैसे ही जो है इसके लक्षण भी काफ़ी डेल जो है रूबेला के भी काफ़ी डीले से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, श्वसन मार्ग के जरिए ये जो हमारे शरीर में प्रेषित कर प्रेस मतलब कि अंदर जाता है, प्रेषित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता या स्काई ओपन एग्रीमेंट जो है ये करने की घोषणा की है। ओपन स्काई समझौता यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट है ये, हाल ही भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है, ठीक है, इसके द्वारा करने की घोषणा की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पे ओपन स्काई समझौता की बात की है, थोड़ा सा जानते हैं ये ओपन स्काई समझौता है क्या। देखिए, ये ओपन स्काई समझौता जो है दो देशों के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत क्या होता है, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए एक आपस में बातचीत करते हैं। यानी कि ये जो ओपन स्काई समझौता है किससे संबंधित है, जो एयरलाइंस है, ठीक है, एयर सर्विस है, ठीक है, हवाई यात्राएं उनसे संबंधित ये समझौता है। ठीक है, जो उड़ानों की जो मतलब की लिमिट है उसको ख़त्म करता है और इसमें बढ़ावा देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके संदर्भ में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, भारत वर्तमान में 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता जो है किया कर रखा है, जिसमें जो संयुक्त अरब अमीरात है ये भी शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर नई दिल्ली से 5,000 किलोमीटर की दूरी वाले कोई भी मतलब की देश है तो उनके बीच में एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं ये इस एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8 जुलाई को किस राज्य ने रयतु दिनोत्सवम या किसान दिवस मनाया है। तो ये आंध्र प्रदेश ने मनाया है। किसने?
आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में घोषित किया गया है। देखिए भारत की सबसे बड़ी तितली जो है हाल ही गोल्डन बर्ड विंग को घोषित किया है। किसको? गोल्डन बर्ड विंग को हाल ही भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक गोल्डन बर्ड विंग है जिसको हाल ही सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है वहीं पे देदीहाट कस्बे में ये 100 mm यानी कि 194 mm की पंखों वाली जो ये मादा गोल्डन बर्ड विंग है ये हाल ही में खोजी गई है, जबकि 106 mm वाली जो पंखों वाली नर गोल्डन विंग है ये जो है तितली जो है शिलोंग के जो वानखर सिलिंग तितली संग्रहालय वहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। देखिए यहाँ पर सरकारी जो जमीन है सरकारी भूमि है उसकी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपयोग करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया देश का। ठीक है, इसके लिए उड़ीसा ने क्या किया है, एक मोबाइल आधारित समाधान BLUIS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली। ठीक है, इसको मतलब कि हाल ही में लॉन्च किया है यहाँ के जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा ये ब्लूइस नाम का जो ये एक मतलब कि वेब आधारित पोर्टल है, ठीक है, मोबाइल आधारित इसको लॉन्च किया गया है हाल ही में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा कि वहाँ की जो सरकारी जितने भी जमीन है जो अगर कोई भी उस पर अतिक्रमण करता है, ठीक है, कोई भी हक जमाता है तो उन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर ये मेंशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को हाल ही मंजूरी दी है, कौन सी इसमें शामिल नहीं है? देखिए हाल ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है मोदी की अध्यक्षता में इसने 3 इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कितना बजट आवंटित किया है, 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा इसमें कंपनी शामिल नहीं है, तो इसमें जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BHEL ये इस समझौते में या इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने जिनके लिए ये आवंटित किया गया है ये राशि जो निवेश है इसको मंजूर दी गई है, एक तो यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, एक यहाँ पे OICL है और एक यहाँ पे NICL भारतीय बीमा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, AIIB ने L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कितना ऋण दिया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, हाल ही में ये $50 मिलियन का ऋण दिया गया है। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है इसके लिए जो है टोटल $100 मिलियन का ऋण समझौते को जो है मंजूरी दी गई थी, किसके साथ, AIIB ने। ठीक है, जिसका जो पहली किस्त है $50 मिलियन की वो हाल ही में दे दी गई है, 2 किस्तों में ये जो है ये बजट जो है आवंटित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें पहली किस्त है $50 मिलियन की वो आवंटित कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने बात की है L&T की और यहाँ पे जो AIIB है इसकी। ठीक है, L&T के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, इसकी जो निदेशक है प्रबंध निदेशक MD और CEO वो कौन है, दीनानाथ दुबासी है। L&T फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रबंधक निदेशक और CEO हैं वो दीनानाथ दुबासी हैं, और जो AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकून, इसके अध्यक्ष वर्तमान में। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम है जगदीप। यहाँ पर देखिए सूरमा भोपाली, शोले मूवी अगर आपने देखी है तो ये सीन आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी, हमारा नाम यूं ही सूरमा भोपाली नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हुए थे इस मूवी से, इसके अलावा भी इन्होंने छोटी मोटी कुल मिलाकर 400+ मूवियाँ जो है अपने करियर में की थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है,
तो ये जगदीप इनका रियल नेम है, जिनको सूरमा बपोली के नाम से ये पॉपुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए खुद का एक अपना सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, तो एक जो ये सेल्फ स्कैन ऐप है ये पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था रिसेंटली, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात की है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल को अगर आप मैप में देखोगे तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको ये वाला येलो कलर का जो है वेस्ट बंगाल है, जिसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है इसकी सिक्किम के साथ इधर अपनी बॉर्डर लगती है, इधर बिहार के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर झारखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इधर यहाँ पर ये उड़ीसा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इधर ये बांग्लादेश है इंटरनेशनल बॉर्डर इसके साथ लगाता है, और असम के साथ ये बॉर्डर लगाता है, इधर यहाँ पर ये भूटान के साथ भी बॉर्डर लगाता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर लगाता है। तो यहाँ पर तीन जो कंट्रीज है उनके साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है, बाकी के यहाँ पर जो राज्य हैं इनके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये तो हो गया यहाँ पर बाउंड्री शेयरिंग की। अब इसकी थोड़ा सा अंदर की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना है बांग्लादेश की 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। इसकी कैपिटल कोलकाता है। यहाँ पर अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है वर्तमान में, जगदीप धनखड़ इसके वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है, और ममता बनर्जी वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा सीटों की संख्या की कितनी है, यहाँ पर 295, ठीक है, बाकी ये चीफ जस्टिस वगैरह आप ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश के पास है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।